भारतीय किसान यूनियन के लीडर राकेश टिकैत ने वड्डा ऐलान किया। उन्होंने साल 2024 तक भी अंदोलन जारी रखने का संकेत देंदिया कहा कि दिल्ली तो लटेरियां भजाना है। उन्होंने बगैर किसी का नाम ले कहा कि वह आखिरी बादशाह साबित होगा। उन्होंने किसानों एक पिंड एक ट्रैक्टर से 15 व्यक्ति का नारा देंदे कहा कि वह 10 दिन की तैयारी खिंच लैन और किसी भी वेले दिल्ली कूच करने का सदा मिल सकता है। टिकैत ने 13 मार्च को कोलकाता जाने का ऐलान करदे कहा कि वह उतों के किसानों के नाल पश्चिमी बंगाल विधानसभा चोणों बारे चर्चा करके बीजेपी को हराने का सदा देंगे। उन्होंने कहा कि वह किसी पार्टी विशेष की हमायत नहीं करेंगे। उन्होंने बिहार में भी अंदोलन तेज करने का सदा दिता। अंदोलन लैके किसानों में मतभेदों के दावे खारिज करद उन्होंने कहा कि हूँ झंडे को लेकर कोई भी इतराज नहीं करता। एकजुट ना होने कारण ही किसानों की लुट हुई है। भारत के किसान अंदोलन की गूंज हूँ पूरी दुनिया में पै रही है। उन्होंने कहा कि जेकर किसान हार गए तो मजदूर और नौजवान भी हार जाएंगे और जित लई पूरी ताकत नाल लड़ाई लड़नी पवेगी। ब्यूरो रिपोर्ट आवाज निगम टीवी। भारतीय किसान यूनियन के लीडर राकेश टिकैत ने वड्डा ऐलान किया। उन्होंने साल 2024 तक भी अंदोलन जारी रखने का संकेत देंदिया कहा कि दिल्ली तो लटेरियां भजाना है। उन्होंने बगैर किसी का नाम ले कहा कि वह आखिरी बादशाह साबित होगा। उन्होंने किसानों एक पिंड एक ट्रैक्टर से 15 व्यक्ति का नारा देंदे कहा कि वह 10 दिन की तैयारी खिंच लैन और किसी भी वेले दिल्ली कूच करने का सदा मिल सकता है। टिकैत ने 13 मार्च को कोलकाता जाने का ऐलान करदे कहा कि वह उतों के किसानों के नाल पश्चिमी बंगाल विधानसभा चोणों बारे चर्चा करके बीजेपी को हराने का सदा देंगे। उन्होंने कहा कि वह किसी पार्टी विशेष की हमायत नहीं करेंगे। उन्होंने बिहार में भी अंदोलन तेज करने का सदा दिता। अंदोलन लैके किसानों में मतभेदों के दावे खारिज करद उन्होंने कहा कि हूँ झंडे को लेकर कोई भी इतराज नहीं करता। एकजुट ना होने कारण ही किसानों की लुट हुई है। भारत के किसान अंदोलन की गूंज हूँ पूरी दुनिया में पै रही है। उन्होंने कहा कि जेकर किसान हार गए तो मजदूर और नौजवान भी हार जाएंगे और जित लई पूरी ताकत नाल लड़ाई लड़नी पवेगी। ब्यूरो रिपोर्ट आवाज निगम टीवी। भारतीय किसान यूनियन के लीडर राकेश टिकैत ने वड्डा ऐलान किया। उन्होंने साल 2024 तक भी अंदोलन जारी रखने का संकेत देंदिया कहा कि दिल्ली तो लटेरियां भजाना है। उन्होंने बगैर किसी का नाम ले कहा कि वह आखिरी बादशाह साबित होगा। उन्होंने किसानों एक पिंड एक ट्रैक्टर से 15 व्यक्ति का नारा देंदे कहा कि वह 10 दिन की तैयारी खिंच लैन और किसी भी वेले दिल्ली कूच करने का सदा मिल सकता है। टिकैत ने 13 मार्च को कोलकाता जाने का ऐलान करदे कहा कि वह उतों के किसानों के नाल पश्चिमी बंगाल विधानसभा चोणों बारे चर्चा करके बीजेपी को हराने का सदा देंगे। उन्होंने कहा कि वह किसी पार्टी विशेष की हमायत नहीं करेंगे। उन्होंने बिहार में भी अंदोलन तेज करने का सदा दिता। अंदोलन लैके किसानों में मतभेदों के दावे खारिज करद उन्होंने कहा कि हूँ झंडे को लेकर कोई भी इतराज नहीं करता। एकजुट ना होने कारण ही किसानों की लुट हुई है। भारत के किसान अंदोलन की गूंज हूँ पूरी दुनिया में पै रही है। उन्होंने कहा कि जेकर किसान हार गए तो मजदूर और नौजवान भी हार जाएंगे और जित लई पूरी ताकत नाल लड़ाई लड़नी पवेगी। ब्यूरो रिपोर्ट आवाज निगम टीवी।